सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सरगोधा में होने वाले पुरतशद्दुद वाकया की मसम्मत करते हुए सियालकोट के सियासी और समाजी मजहबी और दीगर मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं डॉक्टर आदिल गौरी, बिशप नदीम गौरी, अबैद रहमत, जर्नलिस्ट जावेद गुल, पास्टर तारिक विल्सन, पास्टर हनूक सदीक और नासिर नैर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायदे आजम के पाकिस्तान के अंदर अकलियतों के हकूक को सरेआम पामाल किया जा रहा है। बुनियाद तौहीन मजहब के वाकयात पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आए रोज कोई ना कोई इस तरह का वाकया हो जाता है जिससे तमाम गिरजाघरों को और कई कई बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है, केमिकल के जरिए घरों की छतों तक को जला दिया जाता है और मसीही आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा को पुकारते होते हैं। अगर इस तरह के वाकयात की बर वक्त रोकथाम ना की गई तो कन्फ्यूजन और अजतराबी कैफियत बढ़ती जाएगी। अकलियतें खुद को बेयारो मददगार और तनहा महसूस करने लगी है, जबकि फरमोदात कायदे आजम की रोशनी में पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर शहरी को बराबरी के हकूक का कहा गया है। आज अकलियतों को भेड़ बकरियों की तरह कुचला जा रहा है और उनको सरेआम मौत की घाट उतारा जा रहा है। अदलिया, आला हकाम, पाक आर्मी और दीगर अदारे इन वाकयात की रोकथाम के लिए कोई जामा मनसूबा साजी अमल में लाएं जिससे अकलियतों की बढ़ती हुई अजतराबी कैफियत पर काबू पाया जा सके। मुकर्ररीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सानहा सरगोधा के इन किरदारों को बेनकाब किया जाए जो दानिस्ता तौर पर इस वाक्य में मुलव्वस है। मुकर्ररीन ने कहा है कि जड़ावाला के वाक्य के अभी जख्म ठीक नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कई और वाकयात ने जन्म ले लिया है और सबसे बढ़कर जड़ावाला के बाद कई वाकयात रूनमा हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार इदारों ने बर वक्त कार्रवाई न करके अकलियतों के साथ नारवा सलूक किया। सरगोधा जैसे वाकयात कई सालों से सामने आ रहे हैं, लेकिन इन पर काबू पाने के लिए कोई जामा और ठोस हिकमत अमली नहीं अपनाई गई, जो हर शहरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले अफराद सरगोधा वाकया की पुरजोर मजम्मत करते हैं।